दोस्तों अभी मैं आपको बिहार के एक ऐसे वायरल टीचर से मिलवाने वाला हूं, उसको आप हमेशा से मोबाइल में देखते होंगे, लेकिन आपको मैं अभी बिहार के टीचर से मिलवाऊंगा, रूबरू कराऊंगा, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो रही हैं। सोशल मीडिया पे इनका बहुत चर्चा है। ये सब देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और इनको ये पढ़ा रही हैं। काफ़ी अच्छे अंदाज हैं इनके पढ़ाने का और जो बच्चे हैं एकदम घुल मिल के इनसे पढ़ाइयाँ कर रहे हैं। देखिए बच्चे अभी खेल भी रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। कैसे कैसे पढ़ाती हैं, क्या क्या एक्टिविटी करती हैं, ज़रा बताएं लोगों को। ओह, ये एक्टिविटी जो है वो मतलब कोई सब्जेक्ट पढ़ाने का लेती हूँ और उसमें उसी समय सोचती हूँ कि बच्चे को इसको बेहतर ढंग से कैसे पढ़ाऊँ। और फिर जैसे अभी अपोजिट वर्स मैंने पढ़ाया, तो चूंकि अगर रटवाती तो कुछ दिन में वो भूल जाता, लेकिन ये लोग जिया तो ये इसके यादों में रह गया। तो यानी कि जो भी आप पढ़ाते हैं उसको एक खेल का रूप दे देती हैं, यानी वो खेलते भी रहे, मजे भी करे और याद और भी रहे, याद भी हो जाए। जैसे अभी ही मैं पूछ के दिखा दूं बच्चों को तो बता देगा। हाँ बच्चे, सोना का उल्टा क्या होगा? जागना का उल्टा क्या होगा? सोना। बैठना का क्या होगा? खड़ा। आगे का क्या होगा? पीछे। तो इस तरह के क्या है ना कि बच्चे को एक्टिविटी के माध्यम से हम चीजों को याद भी करा देते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और क्या खेल रहे हैं। हाँ। और हमारा काम भी हो जाता है और इनको मन भी लग जाता। अच्छा, है आप कितने क्लास तक पढ़ाती हैं? जी मैं 1 से 8 तक में कोई भी क्लास में जाती हूँ। 6, 7, 8 में मेरा साइंस और हिंदी है। साइंस और हिंदी 6, 7, 8 में पढ़ाती हूँ। बाकी जो जूनियर क्लास है 1 to 5 में कोई भी एक विषय पे लेके एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाती हूँ। अच्छा मैम, आपका वीडियो मैंने देखा था, आप डांस करके भी बच्चे को पढ़ाती हैं? हाँ जी सर, बच्चे को क्या है ना कि संगीत से बहुत प्रेम, संगीत और नृत्य से बहुत प्रेम होता है और मेरे संगीत भी ऐसे होते हैं कि बच्चों को उसमें संस्कार डाले जा सके, क्योंकि पढ़ाई के अलावा व्यवहारिक ज्ञान बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसीलिए व्यवहारिक ज्ञान उसको संगीत के माध्यम से देते हैं ताकि वो चीज़ों को ना पूरा कंसंट्रेट होके सुनते हैं, पूरा उसका ध्यान केंद्रित रहता है और मेरा काम हो जाता है। बच्चे नृत्य कर लिए और साथ में व्यवहारिक ज्ञान भी सीख लिए। बच्चे ज्ञान भी सीख लिए और नृत्य भी सीख लिए, दोनों काम हो गया और खेल कूद लिए। मैम क्या क्या पढ़ाती हैं आप लोगों को? सब कुछ। सब कुछ पढ़ाती हैं? यस। मैम जो आप लोगों को गेम खिलाती है, सबसे ज़्यादा क्या पसंद है उसमें? मैं जितना मिस खिलवाते हैं सब कुछ गेम पसंद है। सब गेम पसंद है आपको? यस सर। अच्छा स्कूल आने का मन करता है? यस सर। हाँ, किसके वजह से मन करता है कि मैं स्कूल आऊँ, पढ़ाई करूँ? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए। हाँ मैम, का क्या क्या गेम पसंद है आपको? पूरा पूरा गेम पसंद है। वाह। अच्छा मैम, ऐसा देखा जाता है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षिका जो आती हैं, मैडम लोग जो आती हैं, स्वेटर बुनने उनने लगती हैं और बच्चे जो मन करता करने लगते हैं। जी ऐसा तो मैं अपना विद्यालय में अभी तक तो नहीं देखी हूँ, और हाँ सुनने में तो आता था, बट जो चीज़ मैं नज़रों से ना देखी हूँ तो उसके बारे में मैं क्या बोलूँ। और लोगों के बीच अफवाह भी तो कई प्रकार के फैलते हैं, अब उसमें कितनी सच्चाई है जो बोलने वाले ही जाने। अच्छा मैम, ऐसा देखा जाता है कि जैसे मतलब आप नृत्य करके बच्चों को पढ़ाती हैं, यानी बच्चों के साथ आप भी डांस कर लेती हैं, बाहर समाज में कि आपकी बहू है जो डांस करके बच्चे को पढ़ाती है, ये सवाल कितना खड़ा हो पाता है आपके? देखिए सर, वो क्या है ना कि कोई भी चीज़ आप कीजिएगा तो उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। तो जो शिक्षित हैं, जो जानते हैं कि उद्देश्य क्या है, वो आपको क्या बोलता है कि पॉजिटिव आंसर देते हैं, और जो नेगेटिव वाले कहीं ना कहीं है कि वो उनमें अज्ञानता है, उनको भी दोष नहीं दूंगी क्योंकि उन्होंने जितना सीखा जितना जाना वो उतना ही बोल रहे हैं। तो इसलिए मैं उन लोगों की परवाह नहीं करती हूँ, मेरी परवाह होती है बच्चों की, मेरे बच्चे किस चीज़ से ज़्यादा सीख पा रहे हैं, ये मेरा दायित्व है कि मैं उन्हें पढ़ाऊँ, इन्हें सिखाऊँ। तो इसलिए इनके अनुरूप मैं चलती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा मैम, ऐसा देखा जा रहा है कि बिहार में आप वायरल हैं, पूरा कहें तो देश में भी आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, कह रहे हैं शिक्षिका हो तो ऐसी मैडम हो जो बच्चे को हंसा रही है, खिला रही है और बच्चे को पता भी नहीं चल रहा है टाइम कब कट जा रहा है। और सारे जितने टीचर लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहती है कि बच्चे को क्या क्या टिप्स दें कि पढ़ाए वो शिक्षिका, ताकि और जगह के लोग भी वायरल हों? सभी तो अपने अपने प्रयास में लगे हुए हैं, जैसे कि मैंने भी मैं कह रही हूँ कि मैं ये नहीं जान रही थी कि मैं वायरल हो जाऊँगी, बस मैं अपना काम कर रही थी, वो लोगों को अच्छा लगा, हमारे टॉप जो हैं टीचर्स ऑफ बिहार के मेंबर, उन्होंने उनको भी एक्टिविटी अच्छा लगा, उन्होंने ट्विटर पे डाला, फिर वहाँ से OSG सर जो हैं दिल्ली के, तो उन्होंने ट्वीट किया
किया और मेरी प्रशंसा की और वहाँ से मैं वायरल या मैं वहाँ से वायरल होना शुरू हुआ है। तो आज भी टॉप में बहुत सारे शिक्षक अपने एक्टिविटी को डाल रहे हैं, तो मैं तो भगवान से दुआ करूंगी कि बहुत सारे शिक्षकों की एक्टिविटी अच्छा होते हैं, वो पदाधिकारी के नज़रों में आए, उनको भी प्रशंसा करे, तो वो भी जरूर वायरल होंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, बच्चे बहुत खुश हैं। हम चाहते हैं कि एक छोटा सा कोई आप गेम कराएं ताकि लोग जो देख रहे हैं वो ये भी सोच रहे हैं कि मैम से बता रही हैं, गेम नहीं करवा रही हैं, छोटा सा ही गेम करवाइए ताकि लोग जो है जुड़ जाएं आपके साथ और आपके सोशल साइट से भी। जी अभी जैसे एक तो लंच टाइम हो गया है, अच्छा टिफिन का वक्त है, तो देखिए काफी बच्चे हैं, सभी बच्चे खेलने के लिए चाहेंगे कि हम भी करेंगे। तो उसमें शायद जैसे कि हम कबड्डी वगैरह भी खिलाते हैं, सारे गेम भी खेलते हैं, चाहे वो छुआ छुई का हो, कबड्डी हो, गुड़िया कबड्डी हो, लुका छुपन छिपाई हो, और सब में मेरा जो है एजुकेशन का एक पार्ट छिपा हुआ रहता है, तो अगर उसमें करे तो आपको समय लग सकता है। देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि मैम का मैं एक डांस वाला भी एजुकेशन दिखा देता हूँ और सारी जो भी क्लिपें होंगी मैम से लेके मैं आपको इस वीडियो के अंदर डाल दूंगा ताकि आपको पता चलेगा मैम कैसे कैसे पढ़ाती हैं, कैसे एंटरटेन करती हैं बच्चों को, कैसे बच्चे पढ़ के सीख जाते हैं तुरंत। मैम पढ़ाती हैं तो समझ में आता है yes. कि सिर्फ खेलने आती हैं आप, पढ़ने भी आते हैं, सीखने भी आते हैं, पढ़ने भी आती हैं, और आप पढ़ने आती हैं कि खेलने आती हैं, पढ़ने आती हैं और आप पढ़ने आती हैं कि खेलने आती हैं, सिर्फ पढ़ने खेलने दोनों आती हैं। वाह अच्छा बिहार के मुख्यमंत्री कौन है बताइए, कौन है बताइए, कौन बताएगा? हाँ बताइए, नीतीश कुमार है। वाह वाह नरेंद्र मोदी नहीं, कौन बोला नरेंद्र मोदी? कौन बोला नरेंद्र मोदी? नहीं बोला नरेंद्र। अच्छा चलिए ये छोटे छोटे नटखट से बच्चे हैं, मतलब माइक जाता है तो हो सकता है कि दिमाग थोड़ा सन हो जाता है। बाबू प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है। चलिए बहुत अच्छी बात है, छोटे छोटे सवाल जो है कि सरकारी स्कूलों में नहीं दे पाते हैं शायद से, मुझे इसी से डर लगता है लोगों को कि नहीं घुसने देते हैं। नहीं ये मैं तो अपना 7 क्लास में आप लोगों को इनवाइट करना चाहूँगी कि वहाँ पे मेरे जो बच्चे हैं, आपको 15 राष्ट्रपति अभी तक जो हुए हैं हमारे भारत में उनके भी नाम 1 से 15 राष्ट्रपति तक के नाम बता देंगे। हाँ 14 प्रधानमंत्री अब तक हुए हैं उनका भी वो नाम बता देंगे। अच्छा। यहाँ तक कि कार्यवाहक राष्ट्रपति जो अब तक हुए हैं 3 हैं उनका भी नाम बता देंगे। तो 7 क्लास में जो मैं पढ़ाती हूँ वो भी एक्टिविटी के माध्यम से ही मैंने उन लोगों को ये चीज सिखाया है, रटवाया नहीं है, इसलिए वो लोग बता देंगे। अच्छा मैम क्या रीजन है कि पत्रकारों को सरकारी स्कूल में जाने नहीं देना चाहते हैं बिहार में, आपको क्या लगता है? ये तो जिस स्कूल में नहीं जाने दिया जा रहा होगा वो ही अच्छे से बता पाएंगे। हमारे विद्यालय में तो सबका हार्दिक स्वागत है कि आप आइए, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कीजिए हमारे लोगों को, हमारे समाज को, क्योंकि उनको बदल सकता है तो सिर्फ एजुकेशन। अच्छा, क्या लगता है पत्रकारों को जाने देना चाहिए, दिखाना चाहिए क्या है नहीं है स्कूलों में? नहीं जी बिल्कुल जाने देना चाहिए, आप लोग ही तो लोगों को जागरूक करते हैं, और अगर कुछ बुराई है हमारे अंदर आप ही दिखाते हैं, तब जाके हम डर के मारे ही सही हम उस चीज़ को सही करने का प्रयास करते हैं। और अगर अच्छी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग सिर्फ बुराइयों को ही वायरल करते हैं, आप अच्छी चीज़ों को भी दिखाते हैं, और अच्छी चीज़ें हम देखते हैं तो उससे हम मोटिव होते हैं कि नहीं वैसा विद्यालय में हो रहा है तो हम भी खुद विद्यालय में करें ताकि हम भी पहचाने जाएं। तो नेगेटिव पॉजिटिव जो हैं आप लोगों सही दिखाते हैं, तो आप लोगों को आने देना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं आने देना चाहिए। चलिए मैम से आपको मिलवाया जो कि बिहार में पूरे वायरल हो रही हैं, कहा जा रहा है कि बच्चे जो हैं इनके क्लास को एकदम से मिस नहीं करना चाहते हैं, इवन संडे को भी बोलते हैं कि मैम आप संडे को भी क्लास ले लीजिए, ऐसा भी बोलते हैं। जी बच्चे तो बोलते हैं कि संडे को अगर कभी फोन भी करें ना एक बार में भी कभी भी तो बच्चे आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं। देखिए ये सरकारी स्कूल है, ये प्राइवेट स्कूल नहीं है, ये बिहार का एक सरकारी स्कूल है जिसको मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, ऐसा आप कहीं नहीं देखे होंगे, मुझे लगता है मैंने ऐसा वीडियो भी नहीं बनाया है, लेकिन ये सरकारी स्कूल का ये देखिए बच्चे सब वेल मेंटेन हैं, सभी ड्रेस में हैं, सब डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, मैम की बातें मान रहे हैं। आए दिन हम देखते हैं कि सरकारी स्कूल में घुसते ही हल्ला हूहू लगता है मछली बेचाता है, लेकिन एक वेल डिसिप्लिन स्कूल है इसलिए हम इसको बना के आपको दिखा रहे हैं, वायरल करने की चीज़ है, पूरे बिहार के लोग इनको देख रहे हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रेरणा दिया सभी लोगों को, इनको देखकर आप क्या सोचते हैं एक बार कमेंट में राय ज़रूर रखें और यह वीडियो को एक बार दबा के शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत।